जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और पंचायत सहायक भर्ती से ही अपडेट है। और दोस्तों यहाँ पे इसका कमेंट्स बहुत सारा, मतलब अनगिनत आया था कि सर ये कब होने वाला है। दोस्तों ये हो गया है और बिल्कुल बहुत ही बड़ी जानकारी निकल के आ रही है और इसका इंतज़ार भी बहुत सारे साथी कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बार बार कमेंट्स आ रहे थे और उसके साथ साथ इसी से जुड़ा लगातार कई सारा सवाल भी लगातार चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से आप सभी के आ रहे थे। तो ये जब भी अपडेट आया तो मैं सोचा कि इस अपडेट के जरिए आप सभी को बता दूँ, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल अपडेट है ऐसा। जब तक ऑफिशियल अपडेट आता नहीं है तब तक मैं आप सभी को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ कि, और मैं इंतज़ार करता हूँ कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल अपडेट आएगा, तभी मैं आपको ये जानकारी दूँ। चूँकि दोस्तों कारण क्या है कि आदेश तो आ जाते हैं, जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो तो बोल देते हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, जब तक बड़े अधिकारी पत्र जारी नहीं करते हैं, तब तक इसको सही नहीं मानना चाहिए, ये मेरा मानना है। दोस्तों ये जानकारी है और जानकारी बहुत शानदार है और इसमें पूरा डेट भी दिया हुआ है, किस डेट से किस डेट तक ये कार्य होने हैं और उसके बाद क्या होना है, कब ये कार्य पूर्ण हो जाने हैं, पूरे नियम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं उस अपडेट पे, उस जानकारी को, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश, सेवा में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या इतना दिनांक 5/5/2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद पर चयन के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में संलग्न विवरण के अनुसार पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनाती हेतु निर्गत शासनादेश के निर्देशों के क्रम में विज्ञापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को अवगत कराया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विज्ञापन के माध्यम से रिक्त पदों के प्रचार प्रसार हेतु संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन प्रदेश के समस्त मंडलों से प्रकाशित होने वाले अधिकतम प्रसार होने वाले हिंदी समाचार पत्रों में दिनांक 12/5/2022 को प्रकाशित करने का कष्ट करें। दोस्तों 12/5/2022 को सभी पेपरों में आने वाला है कि पंचायत सहायकों की जो रिक्त पद भी हैं उनको जल्द से जल्द भर दिया जाए, उसमें ये चीज़ें प्रकाशित होंगी। ये तमाम लोग हैं, सभी जिलाधिकारी को ये लेटर भेजा गया है, सभी मंडलायुक्त, सभी मुख्य विकास अधिकारी को भेजा गया है। और यहाँ पे मैं आगे आपको दिखा दूँ तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें भी संलग्न देखने को मिल रही हैं। अब देखिए आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है वो चीज़ें। कुल रिक्त पद हैं 2783 ग्राम पंचायतवार व वर्गवार, और शेष पदों का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। आवेदन की तिथि 18 मई 2022 से 3 जून 2022 तक होगी। 18 मई से 3 जून तक होने वाली है। दोस्तों पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की समय सारिणी, ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन पत्र आवंटित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट एवं मुनादी द्वारा कराए जाने की अवधि 15 मई से 17 मई तक होगी कि आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के आवेदन पत्र जमा करने की अवधि होगी 18 मई से लेकर 3 जून तक। आप इसको जमा कर सकते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास जमा करेंगे, विकास खंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं, या फिर जिला पंचायत राज कार्यालय में आवेदन आप जमा कर सकते हैं। उसकी अवधि 18 मई से 3 जून। जिला प्रशासन राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की अवधि है 4 जून से लेकर 9 जून तक। ग्राम पंचायत के प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची मेरिट लिस्ट तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने की अवधि है 10 जून से लेकर 17 जून तक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रशिक्षण
संस्तुति है 18 जून से लेकर 25 जून तक ग्राम पंचायत एवं नियुक्ति पत्र निर्गत कराए जाने की अवधि है 26 जून से लेकर 28 जून तक। दोस्तों इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ किस डेट में होने वाली है, आप लोग समझ सकते हैं। और किसी भी साथी को अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ के ये PDF हमसे आसानी से ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस्त सूचनार्थ अंकित एवं व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समयावधि के में उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त चयन प्रक्रिया शासनादेश संख्या इतना दिनांक 25/7/2021 में दिए गए प्राविधानों के अनुरूप संचालित होगी। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आवेदन पत्र है कि आपको आवेदन इसी पत्र के हिसाब से भरना है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, एक फ़ोटो लगाना है, उसके बाद आवेदन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि हाईस्कूल के अंक पत्र के अनुसार होनी चाहिए और हाईस्कूल में कितना है, इंटरमीडिएट में कितना है, ये तमाम चीज़। अगर कोविड मृतक हैं तो यहाँ पर मेंशन होगा और नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे घोषणा पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सही है, ये खुद से प्रमाणित कर देना है। और यहाँ पे रसीद प्राप्त कर लेनी है, यही रसीद आपको मिलने वाली है जब आप ये फॉर्म जमा करने वाले हैं। यहाँ पे जो प्राप्त करेगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे दिनांक दे के यहाँ से रसीद फाड़ के फिर आपको दे देने वाला है। दोस्तों ये है जानकारी, बहुत ही बड़ी जानकारी, बहुत ही शानदार जानकारी है और बहुत सारे लोग इस जानकारी के लिए बहुत बार कमेंट्स किए हैं। तो दोस्तों जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाती है, चूँकि हम लोग नहीं दे पाते हैं आप लोगों को सभी जानकारी, क्योंकि ये अगर मैं देता भी हूँ तो अनुमानित होता है, लेकिन जब आदेश आ जाते हैं उसको जब हम आपको बताते हैं तो वो फिर पंचुअल होता है, एक्चुअल होता है और आप लोगों को गुमराह करने की कहीं से हमारी हमेशा मनसा नहीं रहती है कि हम आपको गुमराह कहीं से भी करें। इसलिए हम इंतज़ार करते हैं समय का और इंतज़ार करते हैं लेटरों का, इंतज़ार करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसके बाद आपको सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे यहाँ पे जो भी साथी अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं उनको नियुक्त करने की बात कही जा रही है और ये फॉर्म फिर से भरा जाएगा, ये सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ भरा जाएगा ये भी मैं आपको बता दूँ। जहाँ पे पंचायत सहायक अपना इस्तीफा दे दिए हैं वहाँ भरा जाएगा, जहाँ पे पंचायत सहायक का अभी चयन ही नहीं हुआ है, वहाँ का जो चयन है वो विवाद में फंस गया था, वहाँ पर फिर फॉर्म भरा जाएगा और सेम प्रक्रिया पिछले जैसी ही होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, तमाम जानकारी आपको हम अपने चैनल पर देते रहेंगे। और अगर यह PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा और ये PDF मांग लीजिएगा, हम आपको ये PDF वहीं पे मुहैया करा देने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।